हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल डूइंग वेल। गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही इजी रेसिपी पनीर की। तो उसके लिए हमने, देखिए, टमाटर, पनीर, मलाई और ये खरबूज तरबूज के बीज हैं जो मगज होते हैं, और साथ में हमने काजू लिए हैं। तो हमें क्या करना है गाइस, हम इसमें प्याज व्याज कुछ यूज नहीं करेंगे। बहुत ही ईजी बनने वाली रेसिपी है और टेस्ट ये देगी आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। कोई कहेगा ही नहीं कि आपने बनाई है, आपको खुद यकीन नहीं होगा इतनी टेस्टी बनेगी और देखने में बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल दिखेगी। और कोई गेस्ट अगर आपके पास आ जाते हैं तो आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि पनीर बनाने तो बहुत टाइम लगता है, कैसे बनाऊं। तो अगर इस तरीके से आप बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। तो हमने क्या किया, टमाटरों को लिया, उसमें काजू और मगज जो थे बीज, बस उनको पीस लिया। पीस के मस्त वाली प्यूरी बना ली एकदम बढ़िया, उसको फाइन पेस्ट करना है। और स्टार्ट करते हैं अपने लोहे की कढ़ाई में। एज़ यूज़ुअल सरसों का तेल डाला है, थोड़ा ज़्यादा ही डाला है मैंने, क्योंकि इसमें रोगन यानी कि कलर आता है ना, जो मसालों से और तेल या ऑयल से मिलके, वो इसी से आएगा। तो तेज पत्ता, बड़े इलायची और ज़ीरा, उसके साथ जो हमने टमाटर और काजू और जो बीज हैं मगज हैं उसकी जो प्यूरी बनाई है, बस वो डाल दी है इसमें। और इसे हमें पकाना है जब तक ये ऑयल रिलीज़ ना कर दे। कहने का मतलब गाइस ये है कि कोई गेस्ट आ रहा है या कोई स्पेशल खाना है या बाहर नहीं जा पा रहे हो, तो पनीर की रेसिपी और पनीर खाने का दिल कर रहा है तो इसे ज़रूर बनाइएगा, इसी तरीके से बनाइएगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको। तो इसमें हमने डाला है हल्दी, नमक, मिर्च, ये देखिए, कोई हम अलग से इसमें मसाला यूज़ नहीं करेंगे, वही बेसिक मसाले हैं घर के, जिससे इतनी टेस्टी ये सब्ज़ी बनेगी। और इसको बस पकाते रहिए, चलाते रहिए, क्योंकि इसमें काजू और मगज़ हैं और साथ में इसमें टमाटर है। ज़्यादा भी इसलिए नहीं पकाना है क्योंकि इसमें प्याज तो है नहीं जो उसका कच्चापन जाना है, तो टमाटर तो मोस्टली जल्दी से पक ही जाते हैं। तो आप इसको रख दीजिए, चलाते रहिए और जब तक ये ऑयल रिलीज़ ना कर दे इसे पकाते रहिए। पकते ही आपको पता लग जाएगा कि ग्रेवी पक गई है। ये देखिए, इसने ऑयल रिलीज कर दिया है अपना। मैं लास्ट में जब ग्रेवी पक जाती है ना, उसके बाद ही धनिया और जो गरम मसाला है उसका यूज़ करती हूँ। तो आप भी ऐसे करिए। और ये देखिए, मसाला डलते ही रेड हो गया, यानी कि हमारी ग्रेवी रेडी है। और लोहे की कढ़ाई में तो उसका टेस्ट बढ़ना ही है, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, बट आपको जिसमें पसंद है उसमें डाली। ये डाल दी मैंने इसमें चीनी, थोड़ी सी चीनी डालनी है जिससे कि इसका टमाटर का जो टेस्ट है ना वो बैलेंस हो जाए। ये देखिए, यानी कि ग्रेवी पक के तैयार है, कलर दे दिया है इसने। तो ना अब हमको इसमें थोड़ा सा ना, इसमें हम डालेंगे चलाने के बाद थोड़ा सा पानी जो कि उसमें रह गया था, जो हमने पेस्ट बनाया था ना, वो पानी हम अब डालेंगे। उससे क्या होगा, अगर ग्रेवी पक गई है तो ज़्यादा ओवर नहीं होगी, पकेगी, और पानी डालते ही ये अपना टेम्परेचर डाउन कर देगी। और इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स जो डलेगा गाइस, उसी की ही इसमें करामात है, उसी से ये टेस्टी बनेगी। तो वो है मलाई। इसमें 2 चम्मच भर के अच्छे से मलाई डाल दीजिएगा। और अभी आप हैंड टू हैंड देखिएगा इसका कलर कैसे चेंज होता है। ये देखिए गाइस, इसे डलते ही ये बन गई आपकी शाही पनीर वाली ग्रेवी। बिल्कुल लुकिंग ऐसी ही है, खाने में भी ही ऐसी रहेगी, ये टेस्ट एकदम बेस्ट रहेगा। शाही पनीर बनाने में थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है अच्छे से, अगर आप टाइम देके बनाते हैं उसको टेस्टी बनता है, बट अगर इसे बनाओगे ना इजीली बनेगी और टेस्टी बनेगी। कलर एकदम चेंज हो गया है। अब हमें इसको भी पकाना है, क्योंकि मलाई इसमें जो डाली है ना, इस पर भी एक कलर आएगा जो आपको बताएगा कि ये ग्रेवी पक चुकी है। तो थोड़ी थोड़ी देर में इसे चलाते रहें और अच्छे से बॉयल आने तक इसको पकाना है हमको। पानी गाइस, अगर आप जिसे बना के थोड़ी देर तुरंत इसे सर्व करना है आपको खाना, तो आप इसमें कम पानी डालें, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप बना के रख दोगे 1-1.5 घंटे के लिए, उसके बाद आप लंच या डिनर करोगे जिसमें भी आप बनाओगे, तो इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा डालें, क्योंकि इसे रखने के बाद ये भी गाढ़ी होने लगती है। तो ग्रेवी ना गाढ़ी हो ज़्यादा ना पतली हो। ये देखिए, ये भी पक चुकी है,
आप कलर देख सकते हैं, तेल ऊपर आ चुका है। और अब हम इसमें डाल देंगे पनीर के क्यूब्स, आप किसी भी शेप में काट सकते हैं, ट्रायंगल, स्क्वायर, जो भी आपको पसंद है। तो मैंने तो छोटे छोटे पीस में कट कराया था क्योंकि मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। और ये लास्ट में थोड़ी सी कसूरी मेथी और हरा धनिया डालना है। हरा धनिया मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो सिर्फ मैंने कसूरी मेथी डाली है। और ये देखिए अब क्या करेंगे, इसको चलाने के बाद इसको हम ढक देंगे 5 मिनट के लिए। गैस सिर्फ मंदी कर दीजिए, कम कर दीजिए। और उसके बाद जब आप खोलेंगे तो 5 मिनट के बाद जो पनीर है वो मसालों को ऑब्ज़र्व कर लेगा, ग्रेवी ऑब्ज़र्व कर लेगी और कसूरी मेथी का अलग सा ही एकदम फ्लेवर आएगा, खुशबू आएगी। और पनीर है ऑलमोस्ट रेडी, ये देखिए बहुत ही टेस्टी पनीर बना है गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइएगा आप कौन सी रेसिपी या कौन सा ब्लॉग आगे देखना चाहते हैं। ये देखिए बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल कह सकते हो, ढाबा स्टाइल कह सकते हो। और जब आप बनाओगे ना तो आप खुद कहोगे कि हाँ यार इतने कम टाइम में इतनी टेस्टी सब्ज़ी कैसे बन गई। तो वैसे इस रेसिपी का नाम रहता है मलाई पनीर कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि हमने इसमें जो मेन डाला है वो मलाई का ही वो डाला है। तो देखिए गाइस थाली है रेडी, आ जाइए आप भी, सब लोग खा लीजिए। तो सर्व कर दिया सिंपल चपाती, पनीर की सब्जी, खीरा और प्याज, सिंपल खाना और टेस्टी पनीर। ये देखिए गाइस बहुत ही टेस्टी पनीर बना था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।